हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों के साथ एक न्यू वैकेंसी के बारे में डिस्कस करने वाली हूं। ओके, तो मैं जिस न्यू वैकेंसी के बारे में बताने वाली हूं, ये डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल बिलासपुर डिवीज़न की साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे की अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी है। ओके, तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाने वाली हूँ कि आपको इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, आप कब से कब तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और कितनी वैकेंसी आई हुई है। तो फुल कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो के थ्रू प्रोवाइड करवाने वाली हूँ। ओके, सो जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। स्टूडेंट, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, बिकॉज वहाँ पर भी SSC, रेलवे ग्रुप डी एंड न्यू वैकेंसी से रिलेटेड छोटी सी बड़ी सारी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम अपडेट करवाती रहती हूँ मैं। सो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अब हम इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं कि आप इस फॉर्म को कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, आप लोगों को इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए 11 सितंबर 2021 से 10 अक्टूबर 2021 तक का टाइम दिया जाएगा। सो स्टूडेंट, आप लोग इस टाइम ड्यूरेशन में अगर आप एलिजिबल हैं, आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अगर हम इसमें टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज की बात करें, तो इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें टोटल वैकेंसी जो आई हुई हैं 432 पोस्ट आई हुई हैं, जिसमें से कैटेगरी वाइज पूरी डिटेल्स दी गई है कि कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी आई हुई है और किस ट्रेड की कितनी वैकेंसी आई हुई है। तो जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं, कोपा की टोटल 90 पोस्ट आई हुई हैं, जिसमें से UR की 37 पोस्ट है, EWS की 9 पोस्ट हैं, OBC की 24 पोस्ट हैं, SC की 13 पोस्ट हैं एंड ST की 7 पोस्ट हैं। ओके, सो स्टूडेंट, आप लोग इसमें अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि आपकी आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और कितनी वैकेंसी आई हुई है। ओके, तो जैसा कि अगर इसमें बात करें स्टेनोग्राफर इंग्लिश की, तो इसमें 15 पोस्ट आई हुई हैं एंड हिंदी की भी 15 पोस्ट, यानी कि स्टेनोग्राफर की टोटल 30 पोस्ट आई हुई हैं एंड फिटर की 125 पोस्ट आई हैं, इलेक्ट्रीशियन की 40 पोस्ट आई हुई हैं, वायरमैन की 25 पोस्ट हैं, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की 6 पोस्ट हैं एंड RAC मैकेनिक की 15 पोस्ट हैं, वेल्डर की 20 पोस्ट हैं, प्लम्बर की 4 पोस्ट हैं एंड पेंटर की 10 पोस्ट हैं। ओके, एंड कारपेंटर की 13 पोस्ट हैं, मैकेनिस्ट की 5 पोस्ट हैं, टर्नर की 5 पोस्ट हैं एंड शीट मेटल वर्कर की 5 पोस्ट हैं। ओके, एंड ड्राफ्टमैन सिविल की 4 पोस्ट हैं, गैस कटर की 20 पोस्ट हैं, ड्रेसर की 2 पोस्ट हैं, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन कार्डियोलॉजी की 2 पोस्ट हैं एंड इसमें मेडिकल की भी कुछ और भी पोस्ट आई हुई हैं। तो जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, टोटल 432 पोस्ट आई हुई हैं। ओके, अगर हम बात करें इसमें आपको इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, तो आपका मिनिमम 10th कंप्लीट होना चाहिए एंड इसके साथ साथ आपका ITI कंप्लीट होना चाहिए। अगर बात करें एज लिमिटेशन की, तो आपकी मिनिमम एज 15 ईयर होनी चाहिए एंड मैक्सिमम एज आपकी 24 ईयर होनी चाहिए। ओके, सो आप इसमें कैटेगरी वाइज डेट ऑफ बर्थ डिटेल्स भी देख सकते हैं कि आप किस कैटेगरी के कैंडिडेट, कौन सी उनकी डेट ऑफ बर्थ किसके बीच में होनी चाहिए। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, UR की आप लोगों की 17/1997 से 17/2006 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। तो आप इसमें SC, ST, OBC एंड एक्स सर्विसमैन का भी देख सकते हैं। ओके, इसमें आपकी 1 ईयर की अप्रेंटिसशिप होगी, यानी ट्रेनिंग होगी, इसमें आपको स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। ओके स्टूडेंट, मैं आप लोगों को इसमें एक और चीज़ बता दूँ, इसमें आप लोगों का मेरिट बेस पे सिलेक्शन किया जाएगा। ओके, एंड इसके साथ साथ आप इसमें और भी क्राइटेरिया इसमें दिया गया है, तो वो भी आप देख सकते हैं, जैसा कि मेडिकल एग्जामिनेशन, कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो आप इसको डिटेल में देख सकते हैं और मैं आप लोगों को बता दूं, ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो आप वहाँ से भी इसको इस PDF को डिटेल में देख सकते हैं। ओके, सो स्टूडेंट, आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। सो स्टूडेंट, थैंक यू।